लगातार 3 मैच में हार के बाद आखिरकार डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें सीजन में जीत का स्वाद चखा। अपने होम ग्राउंड पर खेल रही मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हाई स्कोर मुकाबले में 46 रनों से हरा दिया। कप्तान रोहित शर्मा के 94 और इवन लुइस के 65 रनों की बदौलत मुंबई ने आरसीबी के सामने 214 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन विशाल लक्ष्य के सामने आरसीबी अंत में 8 विकेट खोकर 167 रन ही बना सकी। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली अकेले मोर्चा लेते रहे और 62 गेंदों पर नाबाद 92 रनों की शानदार और यादगार पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने 7 चौके और 4 बेहतरीन छक्के लगाए। कोहली के अलावा कोई भी बल्लेबाज 20 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। 4 मैच में आरसीबी की ये तीसरी हार है। इस दौरान कोहली न सिर्फ आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने, बल्कि सीजन का ऑरेंज कैप भी अपने नाम कर लिया है। हार की हैट्रिक लगाने के बाद मुंबई इंडियंस नए जोश के साथ अपने चौथे मुकाबले के लिए तैयार हैं। अपने घरेलू मैदान पर मुंबई का सामना दिग्गजों से सजी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से था, जो 3 में से 2 मुकाबले हार चुकी थी। पॉइंट्स टेबल पे मुंबई सबसे नीचे थी तो आरसीबी 6ठे स्थान पर। मुंबई के लिए अब तक के 3 मुकाबले काफी नजदीक ही रहे थे। तीनों मुकाबलों में उसे अंतिम ओवरों में जाकर हार मिली थी। रोहित टॉस भी नहीं जीत पाए थे। दूसरी तरफ आरसीबी के कप्तान विराट कोहली की सबसे बड़ी चिंता सलामी जोड़ी को लेकर थी। ब्रेंडन मैकलम अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए थे और पहले ही ओवर में पवेलियन लौट गए थे। मुंबई की ओर से कृणाल पांड्या ने सबसे अधिक 3 विकेट लिए थे, जबकि बुमराह और मैकलेनेगन ने 2-2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा था। स्पिन की सनसनी मयंक इस मैच में 1 विकेट के साथ एक बार फिर पर्पल कैप की रेस में शामिल हो गए। सरफराज का आउट ऑफ फॉर्म जारी था। मयंक ने मैच का पहला विकेट सरफराज को स्टंप करा कर लिया। सरफराज 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उस समय आरसीबी का स्कोर 103 रन पर 6 विकेट था। वहीं इस मैच में एक वाकया ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल जसप्रीत बुमराह की गेंद पर कोहली ने मिड विकेट की ओर खेलकर सिग्नल लिया, लेकिन इसके बाद मैदान पर सन्नाटा फैल गया। पांड्या का थ्रो सीधे मुंबई के विकेटकीपर ईशान किशन के दाएं आंख पर लगा। वो मैदान पर गिर पड़े। किशन का चेहरा सूजा हुआ था और डॉक्टर उन्हें मैदान से बाहर ले जाना ही उचित समझ रहे थे। रिजर्व विकेटकीपर आदित्य तरे मैदान पर आ गए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली के नाम आईपीएल का नया रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। कोहली आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। मुंबई इंडियंस के साथ खेले जा रहे आईपीएल 11 के 14वें मुकाबले में कोहली ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। कोहली ने चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना के 4558 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। वहीं मुंबई के खिलाफ सलामी बल्लेबाज की भूमिका में आए कोहली को रैना को पीछे छोड़ने के लिए 32 रनों की जरूरत थी और उन्होंने महज 26 गेंद में इसे हासिल कर लिया। मयंक के दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने रैना को पीछे छोड़ा। रैना ने आईपीएल में अब तक खेले गए 163 मैच की 159 पारियों में 4558 रन बनाए थे। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में रैना चोटिल हो गए थे और अगले 2 मैच से बाहर हो गए। कोहली ने पिछले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 57 रनों की पारी खेलकर खुद के रिकॉर्ड को करीब पहुंचाया। आईपीएल करियर में कोहली ने 153 मैचों की 145 पारियों में रैना के रनों को पीछे छोड़ दिया। इस पूरे सीजन में भारत के इन 2 बड़े खिलाड़ियों के बीच आगे निकलने की रोमांचक होड़ देखने को मिलने वाली है। कोहली ने अब तक आईपीएल में 4 शतक लगाए हैं। ओवर की चौथी गेंद पर मैकलेनेगन ने आरसीबी को दूसरा और बड़ा झटका दिया था। एबी डिविलियर्स 2 गेंद में 1 रन बनाकर डीप मिड विकेट पर हार्दिक पांड्या को आसान कैच थमा बैठे। पारी का 5वां और दूसरा ओवर लेकर आए मैकलेनेगन ने क्विंटन डिकॉक को क्लीन बोल्ड कर मुंबई को पहली सफलता दिलाई। डिकॉक ने 12 गेंदों में 19 रनों की पारी खेली। आरसीबी का पहला विकेट 40 रनों पर गिरा। फॉर्म में लौटे कप्तान रोहित शर्मा की 94 रनों की तूफानी पारी और सलामी बल्लेबाज इवन लुइस की धमाकेदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने जीत के लिए 214 रनों का लक्ष्य रखा था। पहले ओवर की पहली 2 गेंद पर विकेट गंवाने के बाद मुंबई ने शानदार वापसी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट पर 213 रन बनाए।
मुंबई की पारी पूरी तरह से लुईस और रोहित के नाम रही। दोनों ने 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। लुईस 45 गेंद पर 62 रन बनाने के बाद पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद रोहित शर्मा ने मोर्चा संभाला और अंत तक टिके रहे। अपनी 51 रनों की पारी में उन्होंने 10 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। इस तरह उन्होंने 70 रन सिर्फ बाउंड्री से पूरे किए। अंत में हार्दिक पांड्या ने 2 छक्कों की मदद से नाबाद 17 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ पहली बार कृणाल पांड्या आउट हुए। रोहित अपने पास स्ट्राइक चाहते थे और इसलिए उन्होंने दूसरे रन की कोशिश की, लेकिन नॉन स्ट्राइकर छोर पर जब तक कृणाल पांड्या पहुंच पाते तब तक एंडरसन ने गिल्लियां उखेड़ दी थी। कृणाल के बल्ले से निकले 15 रन और उन्होंने रोहित के साथ 40 रनों की साझेदारी निभाई थी। इस दौरान उन्होंने एक बार गेंद को बाउंड्री के बाहर भी भेजा और एक बार दर्शकों के बीच भी। लुईस के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। उमेश यादव के तीसरे ओवर की पहली गेंद पर छक्का और फिर चौका लगाकर उन्होंने अर्धशतक पूरा किया। अपनी पारी में उन्होंने 6 छक्के और 2 चौके लगाए थे। 15 ओवर के बाद मुंबई ने 3 विकेट खोकर 144 रन बना लिए थे। 2 ओवर में 8 रन देने वाले उमेश के तीसरे ओवर में 15 रन लूटे थे। पहले ओवर के बाद कोहली को जिस विकेट की तलाश थी वो पूरी हुई। 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा के साथ 108 रनों की साझेदारी के बाद लुईस पवेलियन लौटे। 42 गेंदों पे 65 रनों की तूफानी पारी खेलने के बाद लुईस कोरे एंडरसन की गेंद पर क्विंटन डिकॉक के हाथों लपके गए। छक्का लगाने की कोशिश में गेंद को ऊंचा खेल गए और विकेट के पीछे डिकॉक ने मुश्किल कैच को अपने हाथों में सुरक्षित किया। अपनी पारी में उन्होंने 6 चौके और 5 शानदार छक्के लगाए। शानदार फॉर्म में चल रहे इवन लुईस ने 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। अपनी तेज तर्रार पारी में उन्होंने 6 चौके और 3 धमाकेदार छक्के लगाए। उमेश यादव के खतरनाक पहले ओवर के बाद मुंबई इंडियंस ने विकेट की परवाह किए बिना तेज रन बनाए। इस दौरान इवन लुईस ज्यादा आक्रामक दिखे और 23 गेंदों पर 2 छक्के और 4 चौकों की मदद से 37 रन बनाकर खेल रहे थे। दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा को ज्यादा बल्लेबाजी करने को नहीं मिली और उन्होंने 10 गेंदों पर 12 रन बनाए। पारी का चौथे ओवर में पहली बार बॉलिंग पर आए वॉशिंगटन सुंदर काफी महंगे साबित हुए। 4 बाउंड्री के साथ उन्होंने 19 रन दिए। एक बार फिर उमेश यादव ने अपनी तेज गेंद से बल्लेबाजों को परेशान करते हुए पहली 2 गेंदों पर ही मुंबई के 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। सूर्य कुमार यादव को क्लीन बोल्ड करने की अगली ही गेंद पर उन्होंने ईशान किशन के ऑफ स्टंप को भी जमीन से मिला दिया। उम्मीद हैट्रिक की थी लेकिन लेग बाई के साथ टल गया। एक बार फिर मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा टॉस नहीं जीत पाए। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। रोहित बड़ा लक्ष्य चाहते थे और उन्हें वो बड़ा लक्ष्य मिला भी। मुंबई की टीम ने 200 के ऊपर का आंकड़ा पार किया और आरसीबी को मैच में चैलेंज कर दिया। वहीं आरसीबी ने चैलेंज करके अपनी बल्लेबाजी जिस तरह से दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई। हालांकि कप्तान कोहली इस बार ओपनिंग करने आए और उन्होंने 92 रनों की नाबाद पारी खेली, लेकिन क्विंटन डिकॉक, एबी डिविलियर्स और मनदीप सिंह जैसे बल्लेबाजों का विराट कोहली को साथ नहीं मिला और इस वजह से विराट कोहली उस लय में नजर नहीं आ पा रहे थे जिस लय की जरूरत थी। इसी तरह राजस्थान के खिलाफ भी आरसीबी के मैच में उनके साथ उनका बल्लेबाजी क्रम ही बिखर गया। राजस्थान के 218 रनों के लक्ष्य को आरसीबी की टीम पूरा नहीं कर पाई और वो मैच भी आरसीबी को अपने घर में ही गंवाना पड़ा। आपको बता दें कि अब आरसीबी की टीम के पास काफी कुछ सोचने के लिए है, क्योंकि अब आरसीबी की टीम काफी पीछे हो चुकी है। ऐसे में विराट कोहली एंड कंपनी चाहेगी कि हम जल्द से जल्द अब मैचेस जीतें और फाइनल में प्रवेश करें। We'll be right back.